नमस्कार बच्चों, हिंदी के तास में सभी बच्चों का स्वागत। बच्चों हमारे हमने पिछले तास में क्या देखा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका कुछ भाग हमने पढ़ा था। अब हम आगे का भाग पढ़ेंगे। चलो बच्चों, अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विशेष विचार करे तो उसे अपनी वास्तविकता प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। देखो आदमी ने क्या करना चाहिए, मन और शरीर की क्या करना चाहिए, अनायास घटने वाली वृत्ति पर विशेष विचार करना चाहिए। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशान है। देखो लेखक क्या कहते हैं कि मनुष्य जब नाखून बढ़ाते हैं तो वो क्या है, पशुता है, और जब काटते हैं तो वो क्या है, मनुष्यता का निशान है। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र कटाने की ओर। देखो लेखक को कुछ समझ में नहीं आता कि मनुष्य कहाँ चला जा रहा है, पशुता की ओर या मानवता की ओर। मेरी निर्बोध पालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। निर्बोध का मतलब क्या है, भोली। लेखक की जो बच्ची है उसने पूरी मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह हमारी पशुता की अवशेष है, अवशेष बचा हुआ, अवशेष का मतलब क्या है, बचा हुआ। मैं भी पूछता हूँ जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशान है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावत ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बना जाए। देखो स्वराज्य क्या मतलब क्या है, अपना राज्य। स्वभावत का क्या मतलब है, स्वभाव से। विचारशील का क्या मतलब है, जिसमें विचार करने की शक्ति हो। देखो आगे चलते हैं, हमारी परंपरा। परंपरा का क्या मतलब है, एक के बाद दूसरा। महिमाई का गौरवपूर्ण और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। देखो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, एक परंपरा महिमाई और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि हमने क्या किया है, अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया बंधन हमारे पास है, हमने अपने आप पर ही क्या किए है, बंधन लगाए हैं, इसीलिए हमारी संस्कृति ये बहुत बड़ी ये क्या है, विशेषताएं है। देखो आगे, मनुष्य पशु से किसी बात में भिन्न है, उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है। समवेदना का मतलब क्या है, सहानुभूति। श्रद्धा है, श्रद्धा का मतलब विश्वास। तप है, त्याग है, इसीलिए मनुष्य झगड़े, टंटे, टंटे का मतलब लड़ाई, को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर
चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है। अविवेकी का मतलब क्या है? मूर्ख। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण क्या मतलब है? झूठा व्यवहार को गलत मानते हैं। देखो यह लेखक क्या कहते हैं कि हमें मनुष्य और पशु ये दोनों क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं। क्यों भिन्न हैं? क्योंकि मानव के पास संयम है, एक दूसरे के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। और क्या करता है मनुष्य? झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है। मनुष्य के पास वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। इसका मतलब है मनुष्य कभी भी झूठा व्यवहार नहीं करता। चलो बच्चों, आज हम इतना ही देखेंगे। आए बात समझ में? चलो, ओके।